आदाब में अब्दुल हमीद साहिल, आप देख रहे हैं एलान टाइम्स। तेज़ खबरों में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। बिहार के शिवहर से एक वीडियो सामने आई है जहां पर एक दारोगा बिना मास्क पहने हुए लोगों की मास्क की चेकिंग कर रहे थे और उनका चालान काट रहे थे। ये देखकर वहां पर मौजूद लोग उनमें भड़क उठे, लोगों ने उनका वीडियो बनाना शुरू कर दिया और उनसे ही सवाल करना शुरू कर दिया कि आपने खुद मास्क नहीं लगाया हुआ है और आप लोगों को रोक कर उनका मास्क चेक कर रहे हैं, उनका चालान काट रहे हैं, चालान तो आपका कटना चाहिए। और उन लोगों ने उनसे बातचीत जब शुरू की तो घबराए हुए दारोगा ने फौरन अपनी गाड़ी का रुख किया और वहां जाकर गाड़ी से मास्क निकालकर अपने चेहरे पर लगाया। बहरहाल ये वीडियो वायरल हो गई है और उनके जो आला अधिकारी हैं उन तक ये वीडियो पहुंच चुकी है, उन पर क्या कार्रवाई होना है वो होनी है ये तो अभी देखना बाकी है। एक अहम वीडियो आई है सतना से, मध्य प्रदेश के सतना से, जहाँ पर पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के जवान मौजूद थे, उनके सामने गुंडे जो हैं वो एक औरत के साथ बदतमीजी करते रहे, उसके साथ छेड़खानी करते रहे, उसके साथ मारपीट करते रहे, उसके बालों को पकड़ के उसे मारते रहे, उसके कपड़ों को भी फाड़ते रहे, लेकिन पुलिस की जो टीम थी वो खामोश तमाशाई बनी रही और गुंडे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। उसके बाद जब वो औरत जिसके साथ ये हादसा हुआ था, जब वो पुलिस स्टेशन पहुंची, थाने पहुंची रिपोर्ट लिखाने के, तो वही पुलिस वाले जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने उल्टा उसके साथ मजाक शुरू कर दिया और उसकी कंप्लेंट लेने से उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जब वहाँ काफ़ी हंगामा हुआ, उस औरत ने जब हंगामा मचाना शुरू किया और ये बात आला अधिकारियों तक पहुँची, तो वो जितने जो पुलिस के अधिकारी थे वहाँ मौजूद थे पुलिसकर्मी, छः जवानों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, उन्हें लाइन हाजिर किया गया है और उस औरत के कहने पर, उसकी शिकायत पर जो गुंडे थे उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। बहरहाल ये बहुत ही दुखद है कि पुलिस की मौजूदगी में अब गुंडों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं। एक तरफ UP है जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का मामला जो है फिसलता चला जा रहा है और दूसरी तरफ शिवराज सिंह का मध्य प्रदेश है जहाँ पुलिस इस तरह से गुंडों का साथ दे रही है और वहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर की हालत अब बेहतर नहीं रह गई है। बता दें गुजरात के पाटन से सिद्धपुर का एक जो दरिया है उस पर एक पुल बना हुआ है जिस पर सैलाबी कैफियत आ गई थी और पानी का बहाव बहुत तेज़ था। ऐसे में एक साहब अपनी मोटरसाइकिल लेकर उसे पार करने की कोशिश करने लगे जिससे उनका तवाजुन बिगड़ गया, यानी बैलेंस बिगड़ा और मोटरसाइकिल उनके हाथ से छूट सी गई। उन्होंने बड़ी कोशिश की मोटरसाइकिल को पानी के बहाव से बचाने की, लेकिन चारों नाचार उन्हें अपनी जान को जोखिम में जाता देख उन्होंने मोटरसाइकिल छोड़ दी और अपनी जान को बचाया और मोटरसाइकिल उस बहाव में बह गई। एक और वीडियो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, ये नागपुर से दो फैमिली के लोग छिंदवाड़ा, वहाँ वाटरफॉल है, वहाँ पिकनिक मनाने गए थे, लेकिन अचानक वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा आ गया, बहाव बहुत तेज़ हो गया, जिसकी वजह से ये दोनों फैमिली के लोग वहाँ पर फंस गए, जिनमें दो बच्चों के साथ तकरीबन 12 लोग मौजूद थे। आखिरकार बड़ी मशक्क़त के बाद उन सब का रेस्क्यू किया गया और उन्हें उस वहाँ से जो सैलाबी कैफियत थी और जो फंसे हुए थे उस वाटरफॉल में, उन सबको सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि अगर आप बरसात का मौसम चल रहा है और हर कोई घूमना फिरना चाहता है, सैर व सयाहत करना चाहता है, लेकिन किसी ऐसे मकाम पर ना जाए जहाँ पर आपकी जान को खतरा हो, अगर आप वाटरफॉल वगैरह पर जा रहे हैं तो अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल एलान टाइम्स, क्योंकि हम आप तक सिर्फ खबरें नहीं बल्कि सच पहुँचाते हैं।